गेट के इस पार भी इंसान और गेट के उस पार भी इंसान है, लेकिन व्यवहार देखकर आपको लग रहा होगा कि किसी चिड़ियाघर के जानवरों को तो खाना नहीं दिया जा रहा। आप खुद देखिए कैसे पानी की बोतलें फेंक दी गई, खाना बोरियों में रख दिया गया, एक पुलिस वाला डंडों से इंस्ट्रक्शन दे रहा है और लोग उस गेट की तरफ से हाथ बाहर निकालकर खाना ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं। आगरा मथुरा रोड पर स्थित हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट को जिला प्रशासन द्वारा क्वारंटीन सेंटर बनाया गया। यहां 200 लोगों को क्वारंटीन किया गया, लेकिन जिस तरीके से लोगों को खाना दिया जा रहा है उसे तो यही लगता है कि क्वारंटीन सेंटर के अंदर के क्या हालात होंगे, क्या कोई व्यवस्था भी होगी। जब पीपीई किट पहने सरकारी कर्मचारी डर से खाना फेंक फेंक कर दे रहे हैं तो भला क्वारंटीन सेंटर के अंदर कौन इन्हें देखता होगा। खैर, अगर आप इस वीडियो को देखिए तो आपको ये भी दिखेगा कि जब दरवाजे के बाहर खाना रखा गया तो क्वारंटीन हुए लोग कैसे खाने पर टूट पड़े, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी और तो और खाने के लिए धक्का मुक्की भी दिखी। ऐसे में जब ये वीडियो वायरल हुआ तो डीएम प्रभु एन सिंह ने बताया कि इस मामले की जांच कर रहे हैं। एसजीआई में आई शिकायतों के बारे में मेरे द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया, सुबह भी निरीक्षण किया गया था, हम सारी व्यवस्थाएं ठीक करा दी गई हैं। जो गैप रहा है और जो शिकायत आई थी उसके संबंध में मुख्य विकास अधिकारी को अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए आदेश दिया गया है। अलग से जब टीम बनाई गई थी किसकी कमी रही उसको वह देख लें और एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें ताकि हम उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकें। आगे से टीम को कहा गया है कि ठीक से कार्य करें और इस तरह की शिकायतें दोबारा न आए। इस वीडियो को देखकर सवाल उठता है कि जो योगी रात दिन कोविड-19 से लड़ने के लिए मीटिंग कर रहे हैं, अपनी पीठ भी थपथपा रहे थे, लेकिन जो इस वीडियो में दिख रहा है उससे तो यही लगता है कि तस्वीर के पीछे की सच्चाई कुछ और है। खैर, अब भी वक्त है योगी आदित्यनाथ कड़ाई से कार्रवाई करवाएं और देश के सबसे बड़े सूबे के क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था को ठीक करें और कर्मचारियों में थोड़ी इंसानियत भी जगाएं।